कितने ट्रक भेज दिए हैं, कितना सामान जमा कर लिया है, कितने रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। आइए शकरगढ़ के इमदादी कैंप्स का दौरा करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उन्होंने भेजा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शेख अब्दुल वाला। आज की वीडियो आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सुलह अफजल खान की मदद करना है। आज मैं आपको शकरगढ़ में जो 12-14 सुलह अफजल खान के लिए कैंप लगाए गए हैं उनका अपडेट करवा रहा हूं, जिसमें नंबर 1 कैंप पाक रेंजर 25 करार विंग की जानिब से लगाया गया है। यहाँ पे आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल है, 2.5 करोड़ पाकिस्तानी सुलह से मुतासर हैं, हजारों मददगार हैं, उनकी मदद के लिए पाक रेंजर जो है सबसे आगे सारे फहरिस्त है लोगों की। वो अपनी तौर पर भी वहाँ उनकी मदद कर रहे हैं और यहाँ पे इनका सामान वगैरह इकट्ठा करके उन्हें पीछे भेज रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत को बचाया जाए, उनकी खिदमत की जाए। नादिर नबाव आ गए हैं कैंप नंबर 2 पे, जो कि जमात इस्लामी मरकज़ अहले हदीस की तरफ से लगाया गया है। इस कैंप में भी जो है हाफिज सरद अली लीड कर रहे हैं, ये भी इनका भी यही मौकफ है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा डालें ताकि हम सुलह अफजल खान की मदद कर सकें। आए जानते हैं हाफिज साहब से बात करते हैं उनका क्या मौका। मैं दोस्तों से इल्तिमास कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सुलह अफजल खान में हिस्सा डालें। भाई साहब जो जमात इस्लामी की तरफ से की तरफ से अपना मौका बयान कर रहे थे, अल्लाह ताला इनकी कोशिश को कामयाब करे। खुश मिले तो अभी हम कैंप नंबर 3 में आ गए हैं, ये अल मदीना मैक्सल की जानिब से लगाया गया है। इसे कैंप को लीड कर रहे हैं हाफिज राशिद जावेद साहब, इनका भी यही मौकफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुलह अफजल खान की मदद की जाए। लोगों से अपील है कि वो अपने दिल खोल के इस गंदे में हिस्सा डालें, राशन की सूरत में, पैसों की सूरत में, या किसी भी सूरत में सुलह अफजल खान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें ताकि उनकी मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम, अभी हम आ गए हैं कैंप नंबर 3 पे, ये दावत इस्लामी की जानिब से कैंप लगाया गया है और इस कैंप को लीड कर रहे हैं हाफिज अबरार कारी साहब। इनका भी कहना है कि तमाम पाकिस्तानी अहलिया ने शकरगढ़ जो है वो दिल खोल के सुलह अफजल खान के लिए फंड दें ताकि इस मुसीबत के घड़ी में 2.5 करोड़ जो पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं उनकी मदद की जाए। तो मेरी और दार भाई की तरफ से तमाम लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तानी जो हमारे वहाँ पे बेघर मेयर और मददगार हैं उनकी मदद करें। जी आप दार भाई जी। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कैंप नंबर 4 में, ये कैंप जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से लगाया गया है। और देखें आप कोई भी मकसद फिक्र हो, कोई मसला दिया आज़ाद बात की, यहाँ पे लड़ाई नहीं है। हर इंसान तमाम लोग जो हैं इकट्ठे होकर इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग मुतासर हैं सुलह की वजह से उनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे इस कैंप को लीड कर रहे हैं अलामा मदीन साहब, उनसे भी जानेंगे इस बारे में कि कितना सामान जमा कर लिया है और क्या क्या अभी तक गाड़ियाँ उन्होंने भिजवाई हैं। तो आइए जानते हैं अलामा मदीन साहब से। ये अलामा मदीन साहब हैं, ये इस कैंप को लीड कर रहे हैं। अलामा साहब दोस्तों के फिक्र सामान इकट्ठा कर लिया है, हमना जी जमीयत उलमा इस्लाम की रेस्क्यू तंजीम अंसार उल इस्लाम के तहत ये कैंप हमने लगाया हुआ है और ये कैंप हमने परसों लगाया है। तो सामान अलहमदिल्ला हमारे पास कल या परसों तक ये ट्रक का हो जाएगा, इंशाल्लाह एक गाड़ी बड़ा ट्रक इंशाल्लाह वो हम रवाना कर रहे हैं। और उसके बाद भी हमारी रबते अपने अंसार उल इस्लाम के लोगों के साथ, जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों के साथ मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको इबादत समझ के कर रहे हैं और खिदमत खल्क जिससे अल्लाह राज़ी होते हैं इसे और इसके अखबार से कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा पैगाम भी यही है सारे दोस्तों को कि जहाँ तक हमारी बात पहुँचती है मुल्क के किसी भी कोने में तो सब इसको अपना काम समझें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये मखलूक जो है ना अल्लाह ताला का कुंबा है और ये कुंबा इस वक्त आफत का शिकार है। तो इसकी खिदमत करना अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह के कुंबे को खुश करेंगे तो अल्लाह खुश होगा। तो हम भी इसी नीयत से काम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का हमसे राज़ी हो जाए, हमसे खुश हो जाएं, और इसी एतबार से मेहनत हम मुसलसल जारी रखेंगे और अपने बहन भाइयों की खिदमत करना अपने लिए फ़ख्र समझेंगे। बहुत शुक्रिया लामा साहब, गरीब बहुत मेहरबानी। हर दूर दोस्तों
दोस्तों अभी हम पांचवें कैंप आ गए हैं। ये अदारतुलमुतवा ट्रस्ट जो रसाकब साहब की जानिब से लगाया गया है, इनका भी यही कहना है कि जो भी हो बढ़ चढ़ कर पहले शक्लगढ़ से इसका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, पैसों की सूरत में, सामान की सूरत में, अजनास की सूरत में, किसी की सभी की सूरत में, हर सूरत में बढ़ चढ़ के सैलाब का दान की मदद की जाए, और ताकि जो हमारे मुसीबत के हमारे इस टाइम लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। ये नहीं कि ये सुनी प्लेटफार्म है, शिया है, जो मतलब इस टाइम सब एक पाकिस्तानी है, तमाम पाकिस्तानी एक तरह एक साथ होकर मिलकर इनकी मदद करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरी अदारतुलमुतवा के जानिब से अपील है कि तमाम अहलिया ने शकरगढ़ दिल खोल कर सैलाब ज़दगान की मदद करें। इस वक्त 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बेयारों मददगार हैं, आओ आगे बढ़ो, ये मदद करने का टाइम है, बढ़ चढ़ कर सैलाब ज़दगान की मदद करें। शुक्रिया। अभी हम कैंप नंबर 6 में मौजूद हैं। ये तरीके नंबर 1 पाकिस्तान की जानब से लगाया गया है, क्योंकि अल्लाह खादम हुसैन रिजवी पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के उनके फॉलोअर हैं, वो भी दिल खोल के सैलाब ज़दगान की मदद में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे इस कैंप को यहाँ पर रिजवी साहब उनसे भी जानेंगे क्या उनका मौकफ है, कितनी गाड़ियाँ भेजी हैं, कितनी मजीद भेजेंगे, क्या सामान उनको लोग दे रहे हैं, कितना चंदा जमा कर लिया है, तो अभी जानते हैं आप मुख्तसर साहब से। कितनी गाड़ियाँ आप लगे अभी तक? हम जो बड़ी गाड़ी मजदा होती है ना 18 फुट की, वो हमें तकरीबन 3 गाड़ियाँ मारी जा चुकी हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुशी की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे मुल्क में सैलाबी कैफियत है, उसकी वजह से लोग बहुत ही परेशान हैं, तो ये जो बच्चे दिन भर कागज़ चुनते हैं अपना पेट भरने के लिए, तो आइए इनसे जानते हैं क्या इन्होंने भी सैलाब ज़दगान की मदद की है। तो जी मेरे भाई छोटे बताओ कि आप भी सैलाब ज़दगान की मदद की है? वाह, देखें ये दिन भर अपने लिए मेहनत करते हैं, 100 रुपया इन्होंने भी अपने से डाला है, तो अल्लाह ताला को काम में बरकत अता करे। बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं कैंप नंबर 7 में। ये खैरुल उमूम फाउंडेशन अलीपुर सैदा की जानिब से लगाया गया है। अलीपुर सैदा वाले गंभीर साहब हैं, उनका भी काम है कि इस मुसीबत की घड़ी में, मुश्किल की घड़ी में तमाम पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वहाँ की क्या कौम है, जात पात मजहब फिरका मसलक से हट के अपने दिल खोल के अपने जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी मुतासरीन हैं उनकी मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन्हें रिलीफ मुहैया हो सके। तो मेरी एक फैमिली वाले की जानिब से भी आपसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस काले पैर में खड़ा लें, ताकि हम अपने भाइयों की मदद कर सकें। तमाम जो हमारे इस वक्त भाई मान मुतासर हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानी एक भाई हैं, तो मेरी एक फैमिली वाले जानिब से भी आपसे उम्मीद इल्तमास है कि इस वक्त मुसीबत की घड़ी में दिल खोल के हिस्सा डालें, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल फैमिली क्लास शकरगढ़ को सब्सक्राइब करें।